हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच जो रिलेशन होता है उस रिलेशन के बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें कंसीडर करेंगे, ठीक है, कि मान लीजिए कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। लेट टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ए एंड बी, ए और बी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये है, इसको ए मानते हैं, ए नहीं, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये है, इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, ठीक। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वी ए इक्वल टू वी मान लें, इसका जो पोटेंशियल है वी बी इक्वल टू वी से कुछ ज़्यादा मान लें, यानी वी प्लस डेल्टा वी, ठीक है। ए सरफेस पर हम एक कोई पॉइंट मान लें और बी सरफेस पर एक कोई पॉइंट मान लें, ठीक है। अब इसमें देखिए, ए सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए इक्वल टू वी और बी सरफेस का पोटेंशियल वी बी यानी वी प्लस डेल्टा वी, ठीक है। अगर इन दोनों में अंतर देखा जाए पोटेंशियल का तो डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी को हम लोग चेंज इन पोटेंशियल भी मान सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू डेल्टा वी, ठीक है। अब ये चेंज इन पोटेंशियल जो है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग इधर लेते हैं इस ऐसे, ठीक है। तो द डायरेक्शन अब देखिए, चेंज इन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तभी पोटेंशियल चेंज हो रहा है, और उसी डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इन द
डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल पोटेंशियल के बीच में जिधर चेंजिंग आ रही है उधर ही उसी डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट ऑन सरफेस ए, एक ए पर एक सरफेस ले लेते हैं हम लोग पी डैश, पॉइंट ऑफ सरफेस ए लेट कर दें, लेट द पॉइंट ऑन सरफेस ए इज इक्वल टू पी डैश। और यहाँ पर बी सरफेस पर एक पॉइंट हम लोग मान लें पी, द पॉइंट ऑन द सरफेस ये ए था बी इज इक्वल टू पी, ठीक है। अब यहाँ इसके और इसके यानी इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम लोग डेल्टा एल मान लें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या आप लिख सकते हैं और पी डैश एंड पी इज इक्वल टू डेल्टा एल। यहाँ से यहाँ तक जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कितना, डेल्टा एल मान लेते हैं, इतना तो हम लोग कंसीडर कर लीजिए कर लिए। अब हम लोग ये सोचें कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पी डैश से पी तक मूव कराया जा रहा है, ठीक है। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम, चार्ज को कहाँ से कहाँ तक, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यानी पी से पी डैश तक आप ला रहे हैं, फ्रॉम पी टू पी डैश। हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पी से पी डैश तक ला रहे हैं यानी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम चार्ज को लाएंगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज विल बी, देखिए जब हम क्यू चार्ज को मूव कराते हैं यानी किसी चार्ज की जिसकी वैल्यू यूनिट ना हो जब उसको कराते मूव कराते हैं तो वर्क डन को
पोटेंशियल एनर्जी के रूप में लेते हैं, लेकिन जब यूनिट चार्ज को आप मूव कराते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो वर्क डन होता है वो वर्क डन किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, या इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ठीक है, फोर्स जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया जाता है तो मूव कराने में यहाँ से यहाँ तक जब हम चार्ज को मूव कराएंगे तो जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? यहाँ इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। और दूसरा चीज़ और किसके बराबर होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जानते हैं जब यूनिट चार्ज को मूव करा रहे हैं तो यूनिट चार्ज को मूव कराने में यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स लगेगा वो ई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाएगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे। इंटू डेल्टा एल ये हो जाएगा, ये हम लोग ले सकते हैं। और यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी मानते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग वन बना लें। द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज आल्सो विल बी, जो हम चार्ज को मूव करा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, यानी वी ए माइनस वी बी होगा, इसको इक्वेशन टू मान लें। ठीक है, यूनिट चार्ज को यहाँ पर आप फिर से समझ लीजिए, देख लीजिए अलग से कहीं पर, अभी समझा देंगे। ठीक है, कि यहाँ पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज ई इंटू डेल्टा एल के बराबर ही होगा। ठीक है, ई इंटू डेल्टा एल के बराबर कैसे होगा, क्यों होगा, अभी थोड़ी देर बाद समझा देंगे इसको। ठीक है, द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज आल्सो विल बी, अब यूनिट चार्ज को मूव कराने में ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है वी ए माइनस वी बी, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्क डन यहाँ ये है वही वर्क डन ये भी है, तो यानी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वर्क, यानी अगर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से देखें तो मॉड ई इंटू डेल्टा एल इजक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अब देखिए मॉड ई, मॉड ई का मतलब ई का केवल हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इंटू डेल्टा एल इजक्वल टू वी ए की वैल्यू वी है, वी माइनस वी प्लस डेल्टा वी ले लेते हैं, तो यहाँ आर करके ई इंटू डेल्टा एल इजक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे
सॉल्व करेंगे तो ये वी कैंसिल हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी आएगा, ठीक है। और मॉड ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल आ रहा है, ठीक है। अगर हम यह जो चेंज इन पोटेंशियल है इसका मॉड वैल्यू लें, ठीक है, कि यानी हम ये केवल सोचें कि हम चेंज इन पोटेंशियल केवल ले रहे हैं, वो उसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाना चाहते हैं, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं मॉड ई इज इक्वल टू प्लस डेल्टा वी अपान डेल्टा एल, ये भी इक्वेशन हुआ। और इसी इक्वेशन से हमको रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें हम आपको केवल पहले ये समझा दें कि ये वास्तव में वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज विल बी ये, यानी ई इंटू डेल्टा एल के बराबर होगा। इसको समझाने के बाद तब हम इस पर आएंगे, ठीक है, और इसका कंक्लूजन देंगे। देखिए, आप लोग पढ़े हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जहाँ पर जब चार्ज को मूव करा रहे हैं, यूनिट चार्ज को मूव कराते हैं, तो यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो एफ इज इक्वल टू होता है वो 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon, अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है हम लोग डी मान लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको डी स्क्वायर लेना चाहिए, ठीक है, इनटू डी जो भी हो, जितना भी हो, यानी फोर्स इज इक्वल टू ये लेते हैं। आप नहीं समझ पाएंगे तो ये ले लीजिए फोर्स की वैल्यू आर स्क्वायर, ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया डी, ठीक। अब लेकिन एक यूनिट चार्ज को आप मूव करा रहे हैं, जब यूनिट चार्ज को मूव करा रहे हैं तो इसमें से कोई न कोई चार्ज यूनिट मानेंगे, तो मान लेते हैं क्यू वन इज इक्वल टू क्यू मान लें, और क्यू टू इज इक्वल टू जिसको मूव करा रहे हैं 1 coulomb मान लें। तो अगर ये हम लोग मानते हैं तो एफ इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square आएगा। ये फोर्स वही फार्मूला दे रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, ठीक है। इसका मॉड लेते हैं यानी मैग्नीट्यूड केवल लेते हैं तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो हम लोगों ने डी लिया है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वही डेल्टा एल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो फोर्स ई किसके बराबर हो जाएगा, ई के, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, ठीक है, देन W इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको F की जगह पर अगर हम E लिख सकते हैं तो E लिख दें, E इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा L लिख दें। यही हम चीज़ वहाँ पर लिखे हुए थे कि E इंटू डेल्टा L यह वर्क डन है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ लिए होंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन जब यूनिट चार्ज को हम लोग मूव कराते हैं तो यूनिट चार्ज को मूव कराते समय जो फोर्स होता है वो फोर्स 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square आता है, जिसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर W इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा एल हमने लिया था, ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। अब ये आपको जो फार्मूला मिला E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एल, इसमें E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड,
डेल्टा वी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा एल का मतलब यूनिट चार्ज को कितना डिस्टेंस तक मूव कराया गया, ये सब तो आप इसमें जानते हैं, ठीक है। अब इस पे कंक्लूजन्स में आ जाइए। तो कंक्लूजन्स आपको ये मिलेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग ऊपर लिए थे, यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का V प्लस डेल्टा V है, यानी यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल कम है, ठीक है। तो इसका मतलब पोटेंशियल जिधर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, उधर हम लोग जब E की वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन आती है, तो इसका नेगेटिव साइन आने का यहाँ पर ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, किधर होना चाहिए, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, जिधर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है अगर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ हम लोगों को कंक्लूजन में लेना चाहिए कि वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो वास्तव में किधर होना चाहिए, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, जिधर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज करे, ठीक है, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज करे उस डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी यही चीज़ अगर हम यहाँ पर V माने होते और यहाँ पर V प्लस डेल्टा V माने होते तो यहाँ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइन मिलता, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन तो यही मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज करता है उधर हम लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूले से मिल रहा है, यहाँ से नहीं, फार्मूले से, क्योंकि यहाँ पर E की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है, और E की वैल्यू नेगेटिव इसलिए आ रही है कि जिधर वैल्यू जो है पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज किए थे उसी डायरेक्शन में हम लोग E ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पर हम डेल्टा एल का मतलब ये जो यहाँ डिस्टेंस है उसको यूनिट माने, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेल्टा एल को यूनिट माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड of electric field is equal to the change in पोटेंशियल पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ये दूसरा कंक्लूजन हुआ। पहला कंक्लूजन ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है उधर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूछा जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन अगर पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है उधर होता है। दूसरा चीज, इस फार्मूले से हमको ये भी मिल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू, द चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट सरफेस के देखिए परपेंडिकुलर है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये इक्वेशन ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन देता है। इसी से हम न्यूमेरिकल लगाएंगे और इसके ये दो कंक्लूजन हैं। इस कंक्लूजन पर ऑप्शनल क्वेश्चन बना करके हम लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना।